हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। प्रिय व्यूअर्स, दृष्टि IAS के नए प्रोग्राम प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज में हम UPSC और अलग अलग स्टेट PCS की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को विश्लेषण के साथ हल करेंगे। जानकारी के साथ साथ सही उत्तर का चयन करते समय कौन से ट्रिक कारगर साबित होते हैं उन्हें भी सीखेंगे। विकल्पों की छटनी करना, बुनियादी अवधारणा को समझना, तथ्यों और अतिवादी व विशेष शब्दों पर ध्यान देने का अभ्यास करने की भी कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत हम हर एपिसोड में 5 सवालों को हल करेंगे। टीम दृष्टि द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज नामक पुस्तक श्रृंखला को आधार बनाइए। इसमें UPSC समेत विभिन्न प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए करीब 8,000 से 10,000 प्रश्नों का संकलन उत्तर व विश्लेषण के साथ तैयार किया गया है। इस सीरीज की कुछ किताबें मार्केट में आ चुकी हैं और कुछ आने वाले समय में आएंगी। नमस्कार, दृष्टि IAS के प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेशन 19 की चर्चा करेंगे। आज का सबसे पहला सवाल देखते हैं। कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जी डायोड यानी ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड OLED का उपयोग बहुत से साधनों में अंकीय प्रदर्श यानी डिजिटल डिस्प्ले उत्सर्जित करने के लिए किया जाता है। द्रव क्रिस्टल प्रदर्शों की तुलना में OLED यानी OLED प्रदर्श किस प्रकार लाभकारी हैं? कथन एक, OLED प्रदर्श नम्य प्लास्टिक अवस्तरों पर संविरचित किए जा सकते हैं। कथन दो, OLED के प्रयोग से वस्त्र में अंतः स्थापित ऊपरी वेलनीय प्रदर्श यानी रोल्ड अप डिस्प्ले बनाए जा सकते हैं। कथन तीन, OLED के प्रयोग से पारदर्शी प्रदर्श संभव हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक और तीन, केवल दो, एक दो और तीन या फिर उपरोक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी यानी सभी कथन सही है। प्रिय व्यूअर्स, इस सवाल को हल करने से पहले हमें इसके इंग्लिश वर्जन को देखना चाहिए क्योंकि यहाँ हिंदी के कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इंग्लिश में यहाँ प्रदर्श के लिए डिस्प्ले, अवस्तर के लिए सबस्ट्रेट्स, संविरचन के लिए फैब्रिकेशन और ऊपरी वेलनीय के लिए रोल्ड अप शब्द लिखे गए हैं। चलिए बात करते हैं OLED की। दोस्तों, OLED के पैनल्स ऑर्गेनिक मटेरियल के बने होते हैं। जब इनसे विद्युत गुजरती है तो ये प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं यानी ये लाइट एमिट करते हैं। इनमें बैक लाइट और फिल्टर्स की जरूरत नहीं होती जैसे किसी LCD में। OLED काफी दक्ष होते हैं, इन्हें तैयार करना सरल है और ये काफी पतले होते हैं। यहाँ तक कि ये इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि इन्हें आराम से रोलेबल यानी मोड़ने लायक बनाया जा सकता है। OLED की पिक्चर क्वालिटी LCD के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छी होती है। इसकी स्क्रीन का एंगल काफी ज्यादा होता है यानी इसे किसी भी एंगल से देखा जा सकता है। OLED मोनोलिथिक यानी एक धातु से बने हुए होते हैं। ये LED ठोस डिवाइस होती हैं जिनमें पतली ऑर्गेनिक फिल्म की पूरी चेन होती है जो दो पतले सुचालित इलेक्ट्रोड्स के बीच में फिट होती है। OLED में भी कई तरह के LED होते हैं। पहला एक्टिव मैट्रिक्स OLED, यह OLED हाई रिजोल्यूशन और बड़ी डिस्प्ले के लिए अनुकूल डिवाइस है। दूसरा है पैसिव मैट्रिक्स OLED यानी PMOLED। इस तरह की OLED सेल फोन, MP3 प्लेयर्स और इसके अलावा दूसरे छोटी डिवाइस के लिए अनुकूल हैं। इन LEDs में किसी दूसरी तरह के LED या LCD के मुकाबले कम बिजली की ज़रूरत होती है। तीसरा है इन्वर्टेड OLED, कम लागत और कम फीचर्स के लिए इस तरह के OLED सही हैं। चौथा है फोल्डेबल OLED, इस तरह के OLED को ज़्यादातर ऐसी डिवाइस बनाने में उपयोग किया जाता है जिनके टूटने का डर बना रहता है। इन्हें सेलफोन, कंप्यूटर चिप्स, GPS डिवाइस आदि में यूज में लिया जाता है। ये फ्लेक्सिबल, टिकाऊ और हल्के वजन के होते हैं। FOLED को आसानी से मोड़ा जा सकता है और कपड़ों के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। पांचवा है टॉप एमिटिंग OLED और छठा है ट्रांसपेरेंट OLED। इसमें कॉन्ट्रास्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, इतना कि सूरज की रोशनी में इसकी डिस्प्ले को देखा जा सकता है। इसलिए इन्हें मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट विंडोज़ के उपयोग में लाया जाता है। इस डिवाइस में सभी एनोड, कैथोड और सब्सट्रेट पारदर्शी होते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
पाइक कोशिका न्यूक्लिय अंतरण प्रौद्योगिकी सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है? जैव डिम्भनाशी का उत्पादन, जैव निम्नकरणीय प्लास्टिक का निर्माण, जंतुओं की जननीय क्लोनिंग या फिर रोगमुक्त जीवों का उत्पादन। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी जंतुओं की जननीय क्लोनिंग। प्रिय व्यूअर्स, SCNT यानी सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीक बायोटेक्नोलॉजी की एक विशेष तकनीक है जो जंतुओं की जननीय क्लोनिंग यानी पशुओं में एक जैसे शरीर बनाने से संबंधित है। इस तकनीक में किसी सोमैटिक से उसके न्यूक्लियस को किसी इन्यूक्लिएटेड अंडे ऐसे होते हैं जिनमें अपना न्यूक्लियस तो था लेकिन उसे हटा दिया गया। साइटोप्लाज्मिक वजहों से अगर एक बार अंडे में सोमैटिक न्यूक्लियस काम करना शुरू कर देता है तो वह फर्टिलाइज्ड एग यानी जायगोट में परिवर्तित हो सकता है। इस तकनीक का प्रयोग अभी तक चूहों, बंदरों और भेड़ों पर हो चुका है। 1996 में डॉली नाम की भेड़ की क्लोनिंग इसी तकनीक से की गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्नलिखित में से किसके या किनके लिए विधितः अधिदेशात्मक है या है? सेवा प्रदाता यानी सर्विस प्रोवाइडर, डेटा सेंटर या फिर कॉरपोरेट निकाय बॉडी कॉरपोरेट। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल एक और दो, केवल तीन या फिर एक दो और तीन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी सभी सही हैं। प्रिय व्यूअर्स, जिस तरह देश में साइबर अपराध बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए UPSC साइबर लॉ आदि पर प्री या मेंस एग्जाम में अक्सर प्रश्न बना रहा है। देश में किसी भी तरह के साइबर अपराध को रोकने और अपराधी को सजा देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 मौजूद है। हालांकि यह भी सही है कि समय की मांग के हिसाब से यह कानून अब पुराना दिखाई देता है। इस कानून की धारा 70B केंद्र को शक्ति देती है कि वह सर्ट इन यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को गठित करे। सर्ट इन 2004 से ही कार्य कर रहा है। इसके क्या कार्य और कर्तव्य होंगे इसके लिए केंद्र ने 2013 में नियम जारी किए थे जो बताते हैं कि सर्ट इन की कार्य की अवस्थिति और तरीका क्या होगा। इनमें नियम 12 के मुताबिक प्रत्येक व्यक्ति, कंपनी या संगठन के पास यह विकल्प है कि वे साइबर सुरक्षा से जुड़ी किसी भी घटना की रिपोर्ट सर्ट इन को करें। नियमों के मुताबिक प्रत्येक सेवा प्रदाता, डाटा सेंटर, मध्यस्थ और कॉरपोरेट निकाय की जिम्मेदारी है कि वे समय रहते किसी भी साइबर अपराध की सूचना सर्ट इन को दें। इन घटनाओं में किन किन बातों को शामिल किया जाता है इस पर भी नज़र डाल लेते हैं, जैसे किसी नेटवर्क की टारगेटेड स्कैनिंग, अत्यावश्यक प्रणालियों या सूचनाओं को जोखिम में डालना, सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली या डाटा तक बिना अनुमति के पहुँच, वेबसाइट में किसी तरह का अनधिकृत परिवर्तन, वायरस का प्रसार करना, डाटाबेस, मेल जैसे सर्वर्स पर हमला, पहचान चोरी, स्पूफिंग, फिशिंग, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, महत्वपूर्ण अवसंरचना और वायरलेस नेटवर्क्स पर हमला, ई शासन और ई कॉमर्स जैसे एप्लीकेशन पर हमला। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विकसित लेजर व्यतिकरण मापी अंतरिक्ष एंटेना इवॉल्व्ड लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना एलिसा परियोजना का क्या प्रयोजन है? न्यूट्रिनो का संसूचन करना, गुरुत्वीय तरंगों का संसूचन करना, प्रक्षेपणास्त्र रक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता का संसूचन करना या फिर हमारी संचार प्रणालियों पर सौर प्रज्वाल सोलर फ्लेयर के प्रभाव का अध्ययन करना। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, गुरुत्वीय तरंगों का संसूचन करना। प्रिय व्यूअर्स, यहाँ संसूचन करने से मतलब है डिटेक्ट करना। एलिसा एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके तहत 3 स्पेसक्राफ्ट्स को अंतरिक्ष में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये स्पेसक्राफ्ट्स ट्रायंगुलर शेप में स्थापित किए जाएंगे। इनमें से एक बड़ा स्पेसक्राफ्ट है जबकि 2 छोटे। ये करीब 1 मिलियन की दूरी का मापन करेंगे। इस प्लान के तहत एक इंटरफेरोमीटर भी है जो इन स्पेसक्राफ्ट्स की दूरी में होने वाले किसी भी बदलाव को मापेगा। अगर ये किसी भी तरह गुरुत्वीय तरंगों से प्रभावित होते हैं तो इनकी दूरी में कुछ बदलाव आएंगे। एलिसा का लक्ष्य है कि इससे 0.1 मेगाहर्ट्ज से लेकर लगभग 100 मेगाहर्ट्ज तक की रेंज वाली गुरुत्वीय तरंगों का मापन किया जा सके।
तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी गुरुत्वीय तरंगों का संसूचन करना। आज के सेशन का अंतिम सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचरित होता है जिससे डेंगू संचरित होता है। कथन दो, जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दोनों कथन सही हैं। प्रिय व्यूअर्स, 2015 में ब्राजील और उसके बाद अमेरिका और अफ्रीका के कुछ देशों में जीका वायरस के बढ़ते मामले के बाद यह वायरस सुर्खियों में आया। हालांकि यह पहला मौका नहीं था जब जीका का प्रसार बढ़ा हो। इससे पहले 2007 और 2013 में भी इसके मामले सामने आए थे। सबसे पहले इसकी पहचान एक बंदर में 1947 में युगांडा में हुई थी, जबकि मानव में इसकी पहली बार पहचान 1952 में युगांडा और तंजानिया में की गई। दोस्तों, यह एक फ्लेवी वायरस है जो संक्रमित एडीज मच्छरों के काटने से होता है। यह वही मच्छर है जिसके काटने से डेंगू रोग होता है जो आम तौर पर दिन में काटते हैं। यह वायरस एक गर्भवती महिला से उसके भ्रूण में जा सकता है। इससे जन्म के साथ ही उस बच्चे के शरीर में कुछ असामान्यता आ सकती है। अभी तक इस वायरस के लिए कोई भी टीका नहीं है। जीका वायरस से संक्रमित ज्यादातर लोगों में इसके लक्षण ही नहीं दिखाई देते। अगर कोई गर्भवती महिला इससे संक्रमित है तो बहुत ज्यादा यह संभावना बनती है कि उसके नवजात को माइक्रोसेफली या उसकी शारीरिक बनावट ठीक न हो। इसे कॉन्जेनिटल जीका सिंड्रोम कहते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दोनों ही कथन सही हैं। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।